नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। भारत में फिर एक बार कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिनमें उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं पीएम मोदी आज दोपहर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अधिकारियों और मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। यूपी सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच करने के आदेश दिए। बता दें कि चीन में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार सभी राज्यों को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दोपहर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से पहले राज्य में कोविड की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है, इसे लेकर नई एसओपी जारी की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पुनावला ने कहा कि भारतीयों को वैक्सीनेशन और ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ते कोरोना केसेस में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उड़ीसा राज्य सरकार ने सभी लोगों से कोविड नियमों के पालन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।